okay so the recording has also started so ladies and gentlemen what i was teaching you uh okay is about the is about the, the vlans the type of vlans here you can see that the type of vlans are these five but the by if you buy a new switch if you buy a new switch from the market it will have only one vlan

और यहां पे मैं देता हूं शो वील एन ब्रीफ शो वील एंड ब्रीफ तो आप देख रहे हैं कि यहां पे कितने आपको नजर आ रहे हैं यहां पे आपको पांच वी नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये प्रीवियस जो हमने क्लास ली थी ऑन वेनेसडे ये उसकी फाइल मैंने क्योंकि आपके साथ शेयर की है ताकि हम वहीं से स्टार्ट करें तो आपको एक डिफॉल्टी लैंड नजर आ रहा है एक वील टेन ट्वेंटी और थर्टी नजर आ रहे हैं ये तीन वी ये तीन आर डेटा वीलैंस फिर आपको मैनेजमेंट और नेटिव को मैंने इकट्ठा कर लिया तो उसका नाम नंबर मैंने दे दिया वीलैन 99 और आखिरी वीलैन विच इज वी 150 वन मैंने उस क्लास में आपको ये भी बताया था कि आप ये आपका जो वॉइस ओवर आई पी फोन है तो इफ यू रिमेंबर तो मैंने ये बताया था कि उसके जो पोर्ट्स हैं उसके नीचे तीन पोर्ट्स होती हैं हमने देखा था कि नॉर्मल फोन में दो पोर्ट्स होते हैं एक पोर्ट नॉर्मल फोन में नॉर्मल पीएसटीएन फोन में नॉर्मल पोर्ट्स फोन में हमने ये देखा है कि क्या होता है जस्ट दो पोर्ट्स करती है एक पोर्ट कनेक्ट करती है किसको एक पोर्ट कनेक्ट करती है आपके हैंडसेट को द बेस स्टेशन में आई कॉल इट एंड अदर जो पोर्ट होती है दैट कनेक्ट टू द ऑपरेटर ठीक है रिमेंबर बाय यूजिंग आर जे अलेवन कनेक्टर्स जबकि आपके जो आईपी की फोन होती है उसमें तीन पोर्ट्स होती हैं और इन तीन पोर्ट्स पे मैंने आपको बताया था कि इन तीन पोर्ट्स पे क्या होता है नंबर वन इन तीन पोर्ट्स पे क्या होता है एक के ऊपर लिखा होता है एस डब्ल्यू एक के ऊपर क्या लिखा होता है एस डब्ल्यू एसडब्यू से मुराद है कि यहां स्विच से अभी जो आपको स्विच ये नजर आ रहे हैं जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्विच से जो केबल चल रही है केबल विल लैंड द पोर्ट जहां पे एस डब्ल्यू लिखा हुआ है द नेक्स्ट वन इज यस के ऊपर लिखोगा फोन इसका मतलब है कि वहां से आपने हैंडसेट को कनेक्ट करना है ये हैंडसेट भी तो है ना जिसपे आप बात करते हैं एंड द थर्ड के ऊपर लिखोग पीसी तो आप वहां से पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है अब इस स्विच की जो पोर्ट्स हैं वो दो किस्म की होती है एक को कहते हैं एक्सेस पोर्ट्स और दूसरे को कहते हैं एक को एक्सेस पोर्ट दूसरा ट्रंक। कितने किस्म के एक्सेस पोर्ट्स और ट्रंक पोर्ट्स एक्सेस पोर्ट क्या होती है वो पोर्ट जिसके ऊपर आपके एंड डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं क्या होता है एस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेस पोर्ट जिसमें हमारी वेरी गुड तो जैसे अभी मिसाल के तौर पर स्विच टू को अगर आप देखें आपको स्विच टू नजर आ रहा है तो इसके साथ हमारी ये एंड डिवाइस लगी हुई है पीसी सी वन पीसी थ्री पीसी वन पी टू पीसी थ्री आप देख सकते हैं कि पीसी वन जो है एक पोर्ट जिस पोर्ट के ऊपर है स्विच के साथ कनेक्ट हुआ है जो कि पोर्ट नंबर एफ जीरो अलेवन है तो ये पोर्ट एक्सेस पोर्ट बननी चाहिए कौन सी पोर्ट बननी चाहिए उस्मान एक्सेस पोर्ट सर वेरी nice नाइस सर एक्सक्यूज जी मोशन सर एक्सेस पोर्ट पे मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब एक्सेस पोर्ट पे मतलब सिंगल व्हीलर का ट्रैफिक जा रही हो सर एक्सेस पोर्ट पे क्या होगा सिंगल व्हीलर का ट्रैफिक जाती है सर सिंगल व्हीन की ट्रैफिक जाती है टू सम एक्सटेंट मैं मान समय लेकिन अगर आप यहां पे देखें इस स्विच पे थ्री पे तो इसकी इस पोर्ट के ऊपर ऊपर जो कि है दो वील की ट्रैफिक आ रही है एक वील एन वन फिफ्टी जो कि आपके फोन जनरेट कर रहा है और एक वील एन टेन जो कि आपका पीसी जनरेट कर रहा है तो ये डेफिनेशन नहीं बन रही तो एक्सेस पोर्ट उस पोर्ट को कहते हैं इसकी डेफिनेशन ये है एक्सेस पोर्ट उस पोर्ट को कहते हैं जहां पे आपका डेटा के डेटा आना जाना होता है यानी जहां पे आपके एंड डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं इन शॉर्ट बात समझ आ गई मैं दूसरे को एक्सप्लेन करता हूं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दूसरा मैंने कहा ट्रंक पोर्ट्स तो ट्रंक हाँ ये बात याद रखें इस बात तक आपकी बात ट्रू है कि ट्रंक पोर्ट वो पोर्ट होती है जो कि स्विचेस को आपस में कनेक्ट करती है और उस पर हर एक व्ही का ट्रैफिक जा सकता है लेकिन क्योंकि हमने इस पोर्ट के ऊपर दो VLANs को कन्फ़िगर किया हुआ है ये जो वीलैंड अलेवन पोर्ट है हमने इसके ऊपर दो व्ही को कन्फिगर किया हुआ है, इसलिए वो दोनों की ट्रैफिक को जाने देता है लेकिन अगर ये होता कोई और मिसाल के तौर पे लेकिन याद रखें एक और चीज भी डिवाइसेस जो एंड डिवाइसेस है इसमें ऊपर कोई लैन का कॉन्सेप्ट नहीं है यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आप अपना डिवाइस को स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं अलीना को पता है उस्मान को पता है दिलावेज को पता है असम को पता है कि यहां पे कोई एंड डिवाइस के ऊपर किसी किस्म की कोई एंड डिवाइस के ऊपर किसी किस्म की कोई कंफिग्रेशन नहीं की जाती कुछ बात समझ आ रही है सर, yes, ओके, okay. तो अब मिसाल के तौर पे ये पीसी सी टेन है तो अब कौन सी यहाँ यहां पे ट्रंक पोर्ट है ये ट्रंक पोर्ट है जो कि इस स्विच से इस स्विच से कनेक्ट हुई हुई है जो ये एस वन से जो कि गीगाबिट जीरो स्लैश टू है ये इसकी गीगाबिट जीरो स्लैश टू से कनेक्ट हुई हुई है दिस दी दि, बोथ दिस पोर्ट्स आर मस्ट बी पोर्ट्स अगर ये ट्रंक पोर्ट नहीं है तो फिर या, ये पीसी वन जो कि हिस्सा है हमारा तो मकसद ये है कि व्हील एंड टेन वाले व्हील एंड टेन से बात कर सकें व्हील एंड ट्वेंटी के लोग व्हील एंड ट्वेंटी से बात कर सकें व्हील एंड थर्टी के लोग व्हील एंड थर्टी से बात कर सकें तो उसके लिए इन इन पोर्ट्स का ट्रंक होना जरूरी है और पोर्ट्स का एक्सेस पोर्ट होना जरूरी है जी एनी क्वेश्चन इज देर एनी क्वेश्चन ओके नाइस सो तो आपको टाइप्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं है कि डेटा नेटिव याद रखें कि ट्रंक पोर्ट जितने भी होंगे दे विल बिकम पार्ट ऑफ द नेटिव बाई डिफॉल्ट आपका वी जो वील वन है वही नेटिव के तौर पे काम करता है वही मैनेजमेंट वी लैन के तौर पे काम करता है लेकिन दिस नॉट ए गुड प्रैक्टिस तो हमारे तीन काम याद रखें सबसे पहला काम आपको यह आना चाहिए कि आपने वीलैन कैसे क्रिएट करना है नंबर वन नंबर टू आपका यह काम होना आपको आना चाहिए कि किस तरह क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारी की सारी पोर्ट्स वील एंड वन का हिस्सा होती हैं मोस्टली एक स्विच में ट्वेंटी सिक्स पोर्ट्स होती हैं ट्वेंटी फोर पोर्ट जो हैं दे बिलोंग टू फास्ट इथरनेट एंड टू गीगाबिट पोर्ट्स तो गीगा टोटल ऑफ ट्वेंटी सिक्स पोर्ट्स तो आप नंबर वन काम आपको यह आना चाहिए कि किस तरह वीलैन क्रिएट करते हैं तो बहुत ही आसान है आपको पता है कि हम कहा जाते हैं हम ग्लोबल कंफिग्रेशन मोड में जाकर वहां पर लिखते हैं VLAN, और जो भी नंबर हम उसको देना चाहते हैं लेट बी टेन लेट बी फिफ्टीन लेट बी ट्वेंटी वट एवर जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है कि मैंने यहां पर आपको नजर आ रहा है कि स्विच के ऊपर मैंने वीलैन टेन नाम दिया और फिर इसको क्या किया इस व्हील एंड टेन का नेम दिया और नेम दिया फैकल्टी स्टाफ फैकल्टी स्लैश स्टाफ फॉर एग्जाम्पल तो इससे क्या हुआ व्हील क्रिएट हो गया फिर मैंने एक पोर्ट ली इस टोटल नंबर ऑफ पोर्ट से जो कि सारी की सारी इस व्हील एंड वन का हिस्सा थी डिफॉल्ट व्हील का हिस्सा थी इसमें से एक एक या रेंज आप भी ले सकता हूं यानी कि मैं भी कह सकता वन टू एट वन टू टेन वन टू फाइव वट यू वांट, फाइव टू एट वट आई वांट। सो जेंटमन यहां पे अगर आपने मिसाल के तौर पे मैंने इसमें से पोर्ट आप देख रहे हैं यहां पे कि एफ ए टेन है और फिर ट्वेल्व है इसके मतलब अलेवन नहीं है क्योंकि अलेवन मैंने यहां से चूज की और उसको को बना दिया कौन सी पोर्ट एक्सेस पोर्ट और फिर उसको इस वील 10 टेन का हिस्सा बना दिया डू रिमेंबर वी हैव डन दिस इन द लास्ट क्लास यस सर नाइस जी इसी तरह मैंने यहां से अगर आप देखें तो एट सेवनटीन और नाइनटीन के दरमियान एटीन नजर नहीं आ रही मैंने 18 यहां जो भी पोर्ट में यहां से सेलेक्ट करता हूं और उसको किसी दूसरे वी का हिस्सा बना देता हूं तो वो डिफ़ॉल्ट लैन वन से निकल जाती है खुदी। तो आप देख सकते हैं कि वो यहां से एक, यहां से मैंने 18 नंबर ली क्यों 18 ली क्योंकि मैंने 18 के साथ एक पीसी लगाना है मैंने 18 के साथ एक पीसी लगाना है तो मैंने पोर्ट नंबर 18 को सेलेक्ट किया उसको एक्सेस पोर्ट बनाया और फिर उसको मैंने वीलैंड ट्वेंटी का हिस्सा बना दिया इसी तरह मैंने पोर्ट नंबर सिक्स को सेलेक्ट किया उसको उसको एक्सेस पोर्ट बनाया और थर्ड स्टेप में उसको मैंने वीलैंड थर्टी का हिस्सा बना दिया एग्रीड यस सर जी ओके okay, नाइस nice. फिर मैंने कहा था वेरी राइट फिर मैंने कहा था कि इंस्टेड ऑफ दिस आप हर एक स्विच के ऊपर जाए और यह काम करें तो व्हाई नॉट यू शुड राइट यू शुड ओपन दोट पैड एंड राइट ऑल ऑफ दीज कमांड्स ओनली वंस एंड देन कॉपी पेस्ट देखें यही काम मैंने किया जिसे मैंने आपको कहा कि मैंने अनेबल लिखा तो आई मूव फ्रॉम दी यूजर एग्जिट मोड टू दी प्रिविलेज uh, मोड जब मैंने लिखा कॉन्फ टर्मिनल तो आई मूव टू द्लोबलेशन मोड अ रेंज की एग्जाम्पल है यहां पर मैंने रेंज की नहीं बल्कि अगर आप यहां पर देखें तो मैंने एक पोर्ट यहां पर सेलेक्ट की विच इज पोर्ट फॉर एग्जाम्पल जीरो स्लैश एलेवन और इस पोर्ट को मैंने एक्सस पोर्ट में कन्वर्ट कर दिया मैंने कहा अपने मोड को एक्सेस में कन्वर्ट कर दो यानी कि तुम डेटा नेटवर्क का हिस्सा बन जाओ बन जाओगे मैं तुम्हें जिस वी लैन में भी डालूंगा वो डेटा बी लैन होगा और फिर मैंने इसको स्विच पोर्ट एक्सेस वी लैन 10 की कमांड के जरिए शिफ्ट कर दिया बी किस में वी लैन 10 में इसी तरह मैंने F18 लिया और उसको भी व्हील एंड टेन का हिस्सा बना दिया सॉरी व्हील एंड ट्वेंटी का हिस्सा बना दिया एटीन को इस तरह सिक्स को लिया उसको व्हीन थर्टी का हिस्सा बना दिया और आखिर में सबको डिस्प्ले करवा दिया ताकि नजर आ जाए एग्रीड यस सर ओके अब मैं एक चीज मैंने कहा या तो एक्सेस पोर्ट होगी या ट्रंक होगी को आप बन, आप किस तरह बना सकते हैं मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूं क्योंकि लास्ट टाइम हमने शायद यह काम नहीं किया था यह आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास स्विच पोर्ट अभी हमने किया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस यानी इसके जरिए हमने मोड को सॉरी पोर्ट को जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ था चाहे वो एक है चाहे वो रेंज है हमने उसको एक्सेस पोर्ट एक्सेस पोर्ट बना दिया एक्सेस पोर्ट बना दिया क्या बना दिया एक्सेस पोर्ट इसके मुकाबले में अगर मैं ट्रंक बनाना चाहूं तो क्या कमांड होगी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट मोड ट्रंक तो अगर मिसाल के तौर पे हम अभी यहां पे जाए इस नेटवर्क पे और यहां से पीसी वन का आईपी एड्रेस है जबकि पीसी फोर का जो कि विलन टेन का हिस्सा है इसका आईपी एड्रेस सेवनटीन डॉट टेन डॉट ट्वेंटी फोर पिंग करके देखते हैं कनेक्टिविटी है या नहीं है तो लेट्स ट्राई ये पीसी वन है मेरा इसके कमांड प्रॉन्ट पे मैं गया एग्जैक्टली exactly उसी तरह जैसे कि आपको पता है सीएमडी के जरिए हम जाते हैं रियल नेटवर्क रियल डिवाइसेस पे तो लेडीज एंड जेंटलमैन अगर मैं इसको खुद कहूं कि कर, अपने आप को पिंग करो तो आपको नजर आएगा कि आई हैव दई पी एड्रेस ऑफ दिस मशीन वन टू डॉट डॉट टेन डॉट ट्वेंटी वन पिंग किया लेट्स सी पे गलती की पीसी वन पे हूं वन सेवेंटी टू डॉट सेवेंटी डॉट टेन डॉट ट्वेंटी वन चेक करते हैं इसका आईपी एड्रेस क्या है कर रही अपना काम ओके okay, हम इसको देते हैं आईपी कॉन्फिक्वेंटी वन नहीं है तो मैंने कह दिया है शायद कोई गलत लिखा है .17 तो मैंने क्या लिखा ऊपर .17 मेरा आईपीएड ट्वेंटी डॉट ट्वेंटी वन है ये कह रहा है कि मेरा आईपी एड्रेस ट्वेंटी डॉट ट्वेंटी वन है तो मतलब

एटलीस्ट दी सी पी सूट प्रॉपरली कंफिगर्ड ऑन पीसी वन अब मैं इसके दोस्त जो कि यह है टेन डॉट ट्वेंटी फोर इसको पिंग करता हूं टेन डॉट ट्वेंटी फोर देख रहे जवाब नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आना चाहिए ना आया और नहीं आना चाहिए ठीक है अगर मैं पूछूं उस्मान से कि क्यों दोनों ही एक ही वी एन का हिस्सा है और अगर मैं आपको ये तीनों स्विचेस दिखा भी दूं, तो याद रखें एक कमांड आप अभी आपने दी है मैं दोनों कमांड्स आपके सामने रखता हूं एनेबल और एक तो है शो वील शो वी एन ब्रीफ तो आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर वीलैन टेन भी है ट्वेंटी भी है थर्टी भी है 99 नाइन भी है और वन फिफ्टी भी है अगर मैं इसमें ट्रंक्स देखना चाहूं तो याद रखें दूसरी कमांड शो इंटरफेस ट्रंक क्या कमांड याद रखनी है शो इंटरफेस ट्रंक अगर मैं इंटर करूं तो क्या 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 रिस्पांस आया है देयर इज नो ट्रंक जीरो सर कौन कंक्डेंगे वेरी नाइस जवाब आया कि देयर इज नो ट्रंक ये है मसला कि इसका मतलब ये है कि यहां पे कोई ट्रंक ही नहीं है स्विच 1 ये स्विच टू सॉरी स्विच टू, टू का कोई ट्रंक ही नहीं है तो अगर ये ट्रैफिक यहां से यहां पे आ भी गई तो आगे नहीं जा सकते क्योंकि ट्रंक ही नहीं है ट्रंक के जरिए क्योंकि हमें नजर आ रहा है हमें पता है कि पीसी2 पीसी4 जो है वो थ्रू स्विच 2 थ्रू स्विच 1 थ्रू स्विच 3 फिर मैं पीसी4 के पास जा सकता था द इंपोर्टेंट ये है कि मैं इसकी इस गीगाबिट पोर्ट 0/1 को ट्रंक बना दूं इधर को इसको भी ट्रंक बना दूं इसको भी ट्रंक बनाऊं इसको भी ट्रंक बनाऊं तब जाके इसको भी सॉरी इसको नहीं ये तो डेटा हुआ है तो इन चार पोर्ट्स को वन टू थ्री फोर पोर्ट्स को आई शुड मेक द कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी तो मैं पहले फोर्सफुली कह लें थ्रू कमांड ये काम करता हूं और फिर मैं इसको डायनामिक करने की कोशिश करूंगा एंड एट दैट टाइम आई विल टॉकिंग अबाउट दी डायनामिक दी प्रोटोकॉल ट्रंक प्रोटोकॉल डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल डी तो मैं बाद में उसकी बात करता हूं पहले इस मसले को रिजोल्व करते हैं तो मैंने आपको S2 बताया S1 भी बता देता हूं S1 को भी देख लें ये है आपका S1 मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ करते रहें मैंने S1 पे गया नेबल लिखा और यहां पे मैंने किया शो वीलैन लेडीज एंड जेंटमैन आपको नजर आ रहा है आपको नजर आ रहा है कि इवन यहां पर तो जो पोर्ट्स है स्विच वन है तो ठीक है स्विच वन के साथ कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ एंड डिवाइस नहीं लगा हुआ दैट इज द रीजन इसमें सारी के सारी पोर्ट जो है दे आर पार्ट ऑफ द डिफॉल्ट वील एन वन कोई भी 10, 20, 30 का हिस्सा नहीं है फिर आप कहेंगे कि 10, 20, 30 यहां बनाया क्यों है क्या आप पूछेंगे कि 10, 20, 30 जब यहां पे है ही नहीं उनके नोट तो क्यों बनाया इसका जवाब भी अभी देता हूं ठीक है नोट डाउन कर ले अपने पास के जवाब मुझे देना है इसी तरह यहां पे मैं आप कमांड देता हूं शो इंटरफेस प्रांक, प्रांक देखने के लिए कोई ट्रंग यहां भी नहीं है एस वन पे भी कोई ट्रंग नहीं है आखिरी काम हम एस थ्री पे जाते हैं यहां पे भी चेक करते हैं तो अनेबल अनेबल किया, एनेबल करने के बाद यहां पे भी शो वील इंटरफेस वील एंड ब्रीफ किया तो यहां पर भी आपको उसी तरह का रिस्पॉन्स नजर आ रहा है कि आपने इन डिवाइसेस को 10 20, 30 के साथ रिलेट करवा दिया और आपने एक एडिशनल वीलैन 150 में भी एक डिवाइस जो कि पोर्ट नंबर 11 के सब पर लगी हुई है यानी कि पोर्ट नंबर 11 के ऊपर दो वीलैन आ रहे हैं मोशन एक फैकल्टी का और एक वाइस का वाइस का फैकल्टी का ओके okay. तो और अगर मैं यहां पे ट्रंक्स दिखाना चाहूं तो शो इंटरफेस ट्रंक शो इंटरफेस इंटरफेस ट्रंक तो यहां भी ट्रंक नहीं है इसका मतलब कि सारा मसला सिर्फ ये कि ट्रंक बनाना है शॉर्ट इज दिस तो किसको ट्रंक बनाना है जी इसमें ला करते हैं स्विच थ्री से आपकी मर्जी है वन से स्टार्ट करें टू से करें थ्री से करें कोई हम पे जोर नहीं है तो लेट स्टार्ट विद नंबर वन सॉरी लेट स्टार्ट विद नंबर वन जी नंबर वन सो जेंटमन इफ यू लुक एट हियर तो किस पोर्ट जीरो और वन पोर्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो कैसे करेंगे कॉन्फ टर्मिनल यहां पे आ गया अब कौन सी इंटरफेसेस सेलेक्ट करनी है इंटरफेसेस ईगाबेट जीरो रेंज ले लेते हैं ना दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं रेंज रेंज ईगाबिट जीरो गिगावेट जीरो स्लैश वन डैश टू इसका मतलब दो इंटरफ़ेसेस मैंने सेलेक्ट कर ली कौन सी इस एस वन की ये दो इंटरफेसेस गीघा बेट जीरो, जीरो स्लैश वन और जीरो स्लैश टू इन दो को मैंने सेलेक्ट कर लिया ओके कर दिया तो मतलब अब आप देखें मेरा चेंज हो गया कॉन्फिक से कॉन्फिग डैश इफ डैश रेंज यानी अब ये इंटरफेस एक नहीं है रेंज है चाहे वो दो ही है अब मुझे इसको क्या बनाना है ट्रंक हुँ? तो इन दोनों पोर्ट्स को हम बनाते हैं ट्रंक और ट्रंक बनाने के लिए कमांड देते हैं स्विच पोर्ट मोड और अगर नहीं पता क्या कमांड तो आपको पता है क्वेश्चन मार्क लगा दें तो ये आपको तीन ऑप्शन देता है एक्सेस बनाए एक्सेस का मतलब होता है सेट ट्रंकिंग मोड टू एक्सेस अनकंडीशनली कोई कंडीशन नहीं है बस यही बनाना है अगर और फिर हम आखिर में आके डायनामिक पे काम करेंगे इसका मतलब प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है डी टी पी ये सिस्को का प्रोप्रेटरी प्रोटोकॉल है ठीक तो इस पर बात करते हैं तो हम देते हैं जी ट्रंक प्रिंटर कर देते हैं तो आपने देखा कि ही मैंने ये ट्रंक की दी तो मेरे किस स्विच पे दिए वन पे तो ये दोनों पोर्ट ट्रंक बनने शुरू हो गई तो ये कनेक्शन जो है अब निगोशिएशन वगैरह स्टार्ट हो गई है लेकिन इश्यू अब आ गया कि एक तरफ ये ट्रंक है दूसरी तरफ तो ट्रंक नहीं है मिसमैच हो गया है इन अदर वर्ड्स तो अब अगर हम इसका चेक करें यहां से एंड कर जाता हूं एंड करने के बाद मैं अब कमांड देता हूं शो इंटरफेसेस ट्रंक तो देख लो कि आपके दोनों पोर्ट्स जीरो वन और जीरो टू मोसन दोनों ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बन गए हैं ट्रंकिंग पोर्ट बन गई हैं बट दे आर स्टिल पार्ट ऑफ दिल वन विच इज डिफॉल्टी लैन लेकिन हम नहीं बता इस पे बात करते हैं और जो इनकेप्सुलेशन के लिए जो ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेगा वो होगा एट जीरो टू डॉट वन क्यू आई ट्रिपल एट जीरो टू डॉट वन क्यू बेसिकली ये क्या करता है अभी एक्सप्लेन करता हूं ये प्रोटोकॉल ये टैगिंग प्रोटोकॉल है टैग लगाता है क्योंकि तो हर वीलैन का अपना एक टैग होता है जैसे 10, 20, 30 जो मर्जी कुछ बात समझ आ रही है अलीना ओके yes, नाइस okay, nice. तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं गुड अलीना के होना क्या चाहिए अगर मैं यहाँ पे अब एक कमांड देता हूं अब मैं एक कमांड देता हूं यहां पे आ, शो विल एंड ब्रीफ इंटर करता हूं तो आपको यहां पे क्या गीगाबिट पोर्ट्स पोर्ट आपको नजर आ रही नहीं पहले आपको यहाँ पे दो गीगाबिट पोर्ट नजर आ रही थी तो जू ही आप उनको ट्रंक बनाएंगे वो यहां से गायब हो जाएंगी और यहां से गायब हो जाएंगी और ट्रंक में नजर आना शुरू हो जाएंगे एग्रीड एस उस्मान यस सर एग्रीड सर ओके सो अब लेकिन हमने अगर आप यहां पे देखें तो ये अभी वीलैन वन का हिस्सा है और अगर आप यहां पे देखें तो हमने याद रखो कि ट्रंक किस किस वी लैन में होते हैं निट. निट. नेटिव विलैन में जो इसका नाम है विलैन 99 तो हमें चाहिए कि हम इस स्विच S1 के दोनों पोर्ट्स को विलैन 99 में शामिल करवा दें ठीक है तो चलते हैं। करते हैं जी ये काम भी खैर का काम में देर नहीं करते अब देखें यहां पे हमने कमा हमने कहा कौन टर्मिनल दोबारा हमने दोबारा ये रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि है इंटरफेस रेंजाबेट जीरो स्लैश वन डैश टू पता तो रेंज सेलेक्ट हो गई अब हमने ये कमांड तो ऑलरेडी दी हुई है दोबारा भी दे देने तो फर्क नहीं पड़ता स्विच पोर्ट मोड ट्रंक तो तो ऑलरेडी ट्रंक है जरूरत नहीं है अब हमें करना क्या है कि इसको वीलेन 99 नाइन कैसा बनाना है तो अगर हमें कमांड का नहीं पता तो हम यहां क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो यहां पे पंखाइव एक्सेस पोर्ट नहीं बनाना मोड जी तो हम यहां पे आ, ट्रंक हम कमांड यहां पे देते हैं ट्रंक और व्हील एंड टेन ठीक है मोड ट्रंक और फिर आप देंगे ट्रंक देखें नंबर सेकंड लास्ट ट्रंक सेट ट्रंकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटरफेस ट्रंक और अगर क्वेश्चन मार्क लगा लें फिर तो ट्रंक के बाद है सेट द व्हील एंड तो हम इसको दे देते हैं वी लैन तो ये दोनों कहा गलती हुई स्विच पोर्ट ओ सॉरी नेट ये नेटे वीलैन है ना तो यहां पे कमांड हो जाएगी स्विच पोर्ट ट्रंक नेटेव वीलैन नेटे वीलैन नाइनटी वी नाइन स्विच पोर्ट ट्रंक नेटेवीलैन नाइनटी नाइन हो गया अब देखें लेडीज एंड जेंटलमैन यहां से एंड करके निकलें और दें शो इंटरफेस आप देख लें कि आपके ये दोनों गीगाबिट जीरो और वन वीलैन नाइन्टी नाइन का हिस्सा बन चुके हैं अब क्या क्या आउटपुट आएगा क्या मसला आएगा वीलैन मिसमैच का मसला आएगा क्या मसला आएगा वीलैन क्यू क्योंकि स्विच वन के साइड के ऊपर ये ट्रंक हिस्सा है वील एन नाइनटी नाइन का जबकि इस एंड के ऊपर ये वील एन वन का हिस्सा है तो अब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इसको ट्रंक बनाएं और वील एन नाइनटी नाइन में डाल दें इस तरह इसको भी वील इस तरह अगर आप ये तो स्विच वन की साइड पे आपको नजर आ रहा है अगर मैं स्विच टू पर भी जाऊं तो आपने आप देखेंगे कि आपको वील एन नाइनटी नाइन के मिसमैच के मैसेजेस आ रहे हैं वट वी नीड टू डू मोशन अब मैं स्विच टू पे आ गया हूं स्विच टू पे आके स्विच टू पे एग्जेक्टली exactly यही काम करता हूं Enable करके कॉन्फ करके सॉरी कॉन्फ टर्मिनल करके और उसके बाद इसकी इंटरफेस जीरो है तो इंटरफेस एक इंटरफेस को सिलेक्ट कर लेते हैं गिगाबेट जीरो स्लैश वन स्विच टू की बिल्कुल जी ठीक है ओके बिल्कुल ठीक है इंटरफेस आ गई इस इंटरफेस को हम कन्वर्ट करते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हमने ये, ये इंटरफेस नहीं है सर आप देख सकते हैं ये स्विच टू है स्विच टू की यह इंटरफेसाबीट जीरो स्लैश वन है कैन यू सी ऑन माई स्क्रीन जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है ओके नाइस तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ट्रंक में और अभी भी ये मिसमैच का मसला मौजूद है इस मसले को भी रिजोल्व कर लेते हैं तो स्विच पोर्ट एक्स ट्रंक नेटिव व्हीन नाइनटी नाइन भी हो गया तो देखें क्या हो गया पोर्ट कंसिस्टेंसी रिस्टोर्ड कहता है जो मसला था वो रिस्टोर हो गया खुश हो जाओ और अब अगर आप यहां से एंड करके निकलो और यहां पे कमांड दो शो विलेन विलेन ब्रीफ प्रमोशन तो आप देखोगे कि गीगाबिट पोर्ट 1 अब नजर नहीं आ रही यहां पे सिर्फ 2 रह गई है 1 इसका मतलब गायब हो गई है और अगर आप 1 के बारे में المعلومات हासिल करना चाहें तो कमांड दें शो इंटरफेसेस आपको नजर आ रहा होगा कि गीगाबिट पोर्ट जीरो स्लैश वन हैज बिकम पार्ट ऑफ दी स्टेटस इज ट्रंकिंग एंड इट इज पार्ट ऑफ द नेटिव वीलैन 99. नाइन एग्रीड यस सर सो द लास्ट पार्ट इशू इज रिमेनिंग इज ऑफ दी पोर्ट दिस वन यहां पे मसला भी मौजूद है हम यहां पे आते हैं और इसकी Enable करके शो करवा देता हूं शोवी लैंड ब्रीफ तो पता चल रहा है कि यहां पे भी, भी कोई ट्रंक नहीं है कैसे पता चल रहा है यहां से पता चलेगा नहीं मैं खाली कर चुके हैं क्योंकि गीगाबिट जीरो मौ, वन मौजूद है और टू नहीं है अभी देख लेते हैं हम इसको देते हैं शो इंटरफेसिस बिल्कुल तो मसला सिर्फ यहां पे यह है कि जीरो टू को हमने ओके अच्छा इसको हमने ऑटो पे किया हुआ है ओके चले, फिर भी काम करेगा लेकिन चले मैं इसको चेंज कर देता हूं ऑटो से अभी तक मैंने ऑटो नहीं सिखाया तो मैं ऑटो पे अभी नहीं जाता ऑटो का मतलब है कि खुद बनाओ तो हम उसको खुद की बजाय हम दोबारा इस इंटरफेस जीरो स्लैश टू पे आते हैं तो कैसे आएंगे कॉन्फ टर्मिनल और यहां पे हम कमांड देते हैं इंटरफेस की इंटरफेस घबेट जीरो स्लैश टू देख लें अब इस इंटरफेस पे आ गया यहां पे मैं इसको कमांड देता हूं स्विच पोर्ट स्विच स्विच पोर्ट मोड ट्रंक देखना यहां पे ऑटो से चेंज हो जाएगा ख्याल करना ठीक है अलीना ये मैंने कमांड नहीं दे सका और ये खत्म हो गई तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक ये दे दी और अब इसको साथ ही ये काम भी कर देता हूं कि इसको वन से निकाल के क्योंकि वील मिसमैच मिस मैच मुझे यहां पे मिल रहा है इसको वन से निकाल के नाइन्टी नाइन में डाल देता हूं तो कमांड क्या होनी चाहिए स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट ट्रंक नेटेवीलैंड नाइंटी 99 देखिए यहां भी साथ ही खुशी की खबर आ गई कि पोर्ट कंसिस्टेंसी रिस्टोर्ड अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर एंड करके और शो इंटरफेसेस करूं शो इंटरफेसेस करूं ट्रंक नजर आएगा कि वी इसका ये जीरो स्लैश टू जो है वो ट्रंकिंग में, मैं वो तो देखें यहाँ पे ऑटो की बजाय ऑन हो गया है इसका मतलब है कि मैंने फोर्सफुली इसको किया है मैंने किसी प्रोटोकॉल के जरिए नहीं किया और डैट बिकम पार्ट ऑफ दी लैंड नाइनटी नाइन अब चेक करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि क्या ये एक और चीज मैं देखना चाहूंगा कि क्या इसकी जरूरत है कि अगर मैं यहां पे दू शो इंटरफेसेस शो इंटरफेस शो आईपी इंटरफेसेस दे देता हूं ताकि शॉर्ट में आ जाए आईपी इंटरफेसेस ब्रीफ तो ये तमाम की तमाम पोर्ट्स नजर आ गई ये भी नजर आ गया गीका बेटो वन टू इसका स्विच थ्री का अप है वील एंड वन नहीं हुआ चले जी इसका मतलब ये बात फिर भी ठीक है कोई मसला नहीं अब जेंटरमैन आप जाएं। पीसी वन पे जाए पीसी सी वन अब ट्वेंटी फोर को हम इससे पिंग करवाना चाह रहे हैं यानी इसका जो टेन का दोस्त टेन है यानी फैकल्टी फैकल्टी से बात करना चाहती है तो क्लिक करें जो पहले नहीं हो रहा था अब हो गया एस उस्मान मोहसेन हैव यू सीन इट हैव यू ऑब्जर्व इट यस सर वेरी नाइस nice. इसी तरह अगर मैं फोर से वन को करूं ये जी फोर पे आ गया मैं पीसी फोर पे और यहां कमांड देता हूं पिंग पहले इसके खुद अपने आप को कराता हूं वन सेवेंटी टू डॉट सेवेंटीन डॉट टेन डॉट ट्वेंटी फोर जो कि खुद है डेफिनेटली जवाब आना चाहिए लेकिन अगर मैं इसके दोस्त ट्वेंटी वन को करवाता हूं डेफिनेटली जवाब फिर भी आना चाहिए डेफिनेटली जवाब फिर भी आना चाहिए इसके इसका मतलब इसी तरह लेकिन अगर ये अब पीसी फोर यानी ये पीसी फोर इसको करना चाहे जो कि ट्वेंटी डॉट ट्वेंटी टू है ट्वेंटी डॉट ट्वेंटी डॉट ट्वेंटी टू है क्या एक्सपेक्ट करते हो मोशन नहीं करेगा सर नहीं करेगा

और फंक्शनल है हमारा नेटवर्क अब विच इज नाइस ठीक है जी अब आखिरी चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं ताकि आ, हमारी बातें तकरीबन सारी की सारी क्लियर हो जाएं और वो है कि ए तो मैंने ट्रंक्स को ट्रंक्स को फोर्सफुली किया अब अगर आप मैं इस इसको को तो आके दिखाना चाहूं ये नहीं यहां पे, ये दिखाना चाहूं तो ये दो तो मैंने आपको समझा दिए स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, उस पोर्ट कोड क्या कहता है पुट द इंटरफेस इंटू द परमानेंट नॉन ट्रंकिंग मोड अभी अगर हमने एक्सेस कह दिया तो ट्रंक नहीं बन सकती एंड निगोशिएट टू कन्वर्ट द लिंक इंटू ए नॉन ट्रंकिंग नामी तौर जब पोर्ट नॉन ट्रंकिंग है तो लिंक भी नॉन ट्रंकिंग होगा ओके okay. अब रह गया अब रह गया इज देर एनी क्वेश्चन ओके सो अब हमारे पास रह गया स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक और डायनामिक में दो ऑप्शन हैं एक है ऑटो और एक है डिजायरेबल लेडीज एंड जेंटलमैन इन दोनों में हम बाय फोर्स नई ट्रंक बनाएंगे बल्कि प्रोटोकॉल ये काम करेगा और कौन सा प्रोटोकॉल करेगा डीटीपी डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल ठीक है बात समझ आ गई डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल तो इससे हम सर ठीक है नाइस तो यहां से हम ये ये मैं जो अभी हमने कंप्लीट किया है मैं आपके साथ ये भी शेयर अभी कर देता हूं ताकि आप उस अगर आपने अपनी टास्क को कंप्लीट नहीं कर सके तो आप इसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लेंगे एवरी वील एन वर्क विद उसी वील के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो उनके साथ बात कर रहा है ठीक है ना तो जेंटमन अगर ये कर रहा है तो ये तो आपके साथ शेयर कर देता हूं ये कॉन्सेप्ट छोटा सा है लेकिन पहले आप ये कंप्लीट कर लें मैं आपको ये करवाने के बाद फिर कहूंगा कि जनाब वील एंड टेन तो वील एंड ट्वेंटी से बात नहीं कर रहा इसका मतलब ये है कि स्टाफ जो है वो स्टूडेंट के साथ नहीं कर सक रहा स्टूडेंट जो है वो गेस्ट के साथ नहीं कर सक रहा तो ये तो नेटवर्क की सलाह खसूसियत नहीं है ये तो नेटवर्क की, सल... की खसूसियत नहीं है तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंटर वीलेन रूटिंग क्या शेयर करूंगा उस्मान इंटर वीलेन रूटिंग सर शाबाश कहाँ है काजी सर पता नहीं सर घर गया था फिर ये नहीं पता अच्छा घर पहुंच गए छुट्टी अभी तीन वीक की छुट्टियां करने के बाद भी घर पहुंच गए हैं यस सर। माशाल्लाह सर सर खर्चा खत्म हो गया था आजकल के जमाना तो कुछ हो रहा है अब तो आप घर लोगों कह सकते हैं जी पैसा करो खर्चा लाने के लिए आपने दो हजार रुपए का खर्चा कर डाला आपने से है। खर्चा मंगवाने के लिए आने जाने में कितना खर्चा आ जाता तो है इस्लामाबाद से एक हजार तो सर आ जाता है एक हजार तो आ जाता है तो खुदा के बंदे का, दो हजार रुपए लाने के लिए हजार रुपए तुमने खर्चा कर दिया उसे बेहतर नहीं था कि कहते घर वालों को जी मुझे इसे पैसा कर दे नहीं? नहीं जी, बिल्कुल आ रही है उस्मान की आवाज हमें आ रही है ये जो आप इलेक्ट्रिक ओवर ने जुमे की छुट्टी का मजा लिया है किसी के लिए मिल के ना सर मन खर्चा आसानी से ले सके <laughs> ये अच्छी <थी> बात है <laughs> के लेकिन आप लोगों ने मजे लूटे हुए हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे काम करते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी मारते हैं चलें ठीक है तो चलें आई स्टॉप हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन I will, I, I'm definitely happy to respond. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो आई स्टॉप हेयर और आपको हाँ आपको मैंने आ, आपके साथ भी शेयर करता हूँ लेडीज एंड कि आपको मैंने एक टास्क दिया जो कि ये है ये आपके उसमें भी मैं ऐड कर देता हूँ ये आपके साथ अभी शेयर किया किसने शेयर किया ने कि आपने 3.61 3.61 टास्क करके क्या लिखा है उस दीशान ने कि दिस इज असाइनमेंट ऑफ फॉर दिस वीक अलीना दिस इज पैकेट ट्रेसर टास्क व टू इंप्लीमेंट दी वील एन एंड ट्रंकिंग एंड आई होप डैट यू विल बी एबल टू सबमिट इट ऑन द कमिंग वेनेसडे ठीक है तो मैं आपके साथ इनशाला सर नाइस तो मैं ये एस डब्ल्यू कहा एसडब्ल्यू ये है जी तो एस बल्कि यहां से मैं ये मैसेज ये मैसेज फॉरवर्ड कर देता हूं एसडब्ल्यू को तो ये मैसेज आपको फॉरवर्ड हो गया और इसके साथ जो आ, ये भी फॉरवर्ड कर देता हूं एक्सक्यूज मी सर जी सर इस में जो आपने दिखाया था सर इसमें जो वॉइस हो आईपी का फोन है सर इसके जो प्रैक्टिकलिटी है वो समझ में नहीं आ रही है सर मतलब ये यूज स्पीकर में मतलब ये यूज क्यों हो रहा है सर बताता हूँ बताता हूँ थ्री सिक्स वन तो मिल गया आपको इस वीक का टास्क एस आर डब्ल्यू ई वालों अब सवाल पे मैं आता हूँ मोशन के कि जी हमें कुछ समझ नहीं आई कि ये हमने वाइज और आईपी का फोन क्यों लगाया ये क्वेश्चन है मोशन यस yes, सर बिल्कुल ठीक है आजकल के दौर में यहाँ तो मिसाल के तौर पे एक फोन लगाया हमने अगर हम एक फोन यहाँ पे भी लगा देते यहां तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हेलो कर सकते तो फॉर तो फिर तो पिक्चर मतलब क्लियर नहीं है अब आपको बात मेरी समझ आएगी कि क्यों हमने ये बीच में डाला क्योंकि हम मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे एक और भी ये आईपी फोन लगा देते यहां भी लगा देते मिसाल के तौर पे और उनको तमाम को वील एन वन फिफ्टी का हिस्सा बना देते तो ये सब के साथ एक दूसरे के साथ हेलो कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। yes, तो आपके नेटवर्क के साथ साथ जहां पे डेटा नेटवर्क है वहां पे वॉइस का नेटवर्क भी आपको पीएसटीएन की जरूरत ना पड़ती इन अदर वर्ड्स। सही सर ठीक है जी एनी अदर क्वेश्चन सर इस पिक्चर में एक था ना तो इसलिए मतलब कंफ्यूज थे क्या मतलब ठीक है फाइन इसलिए मैं यहां पे हूं कि आप क्वेश्चन करें तो आपको जवाब मिले जी एनी अदर क्वेश्चन uh, सर मेरा एक क्वेश्चन है कि uh, आज हमने जो सेमिनार अटेंड किया था उसमें एफआईए uh, के रिप्रेजेंटेटिव थे तो उन्होंने ये बात की कि अगर आप वॉइस वाई, uh, ओवर आईपी uh, फोन यूज करते हैं और वो ऑफिशियल नहीं है मतलब किसी आपने पेड नहीं लिया हुआ और आप जो है वो फ्री यूज कर रहे हैं और बाहर से इंटरनेशनल कॉल्स वगैरह आ रही हैं तो वो आपको जो है वो एक उसमें आता है जुर्म है और वो अलाउ नहीं है तो सर ये ये तो हमारा एक लैंड है लोकल एरिया तो सर इसमें तो ऐसा ऐसा कोई इशू नहीं होता ना इसमें कोई इशू नहीं है बिल्कुल जी ठीक है आपने खुद ही जवाब दे दिया आखिर में कि इसमें कोई इशू नहीं है हाँ जी जी बोले Uh, लेकिन सर अगर ये हमारा लैंड uh, जो है अगर हमारा हमने अपना वो किया वो जिस तरह uh, हमारा अपना यू का नेटवर्क है तो uh, ट्रैफिक बाहर जा रही है तो अगर उस तरह ये कनेक्टेड है और फिर तो इंटरनेशनल कॉल आ भी सकती हैं और uh, जा भी सकती हैं तो उस सिलसिले में उस सिलसिले में इलीगल क्यों है क्वेश्चन ये बनता है यही है ना क्वेश्चन जी सर तो आंसर ये है इसका कि जब भी बाहर से कोई कॉल आती है तो पीटीसीएल उसके ऊपर भारी बरकम चार्जेस लेती है एग्रीड? जी सर मिसाल के तौर पे यूएस से कोई बंदा पाकिस्तान में कॉल करता है तो वो जो यूएस ने पैसे तो उससे यूएस ने लिए लेकिन उसका कुछ हिस्सा वो पीटीसीएल को देंगे क्योंकि पीटीसीएल वाले उसको अपने पाकिस्तान के अंदर उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे ऐसा ही है ना जी सर वेरी नाइस nice. तो अगर ये केस है अगर ये केस है तो क्या पीटीसीएल अपना उसमें से शेयर नहीं मांगेगा बिल्कुल मांगेगा सर। बिल्कुल मांगेगा तो इससे आपको अच्छा खासा रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट होता है जी सर। अगर गवर्नमेंट ये खत्म कर दे यानी ये इसको जुर्म ना कहे तो सब लोग इसी के जरिए कॉल करेंगे तो रेवेन्यू में पीटीसीएल के गवर्नमेंट के रेवेन्यू में खातर खा कमी आ जाएगी तो इस चीज को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने इन फोन को इलीगल किया हुआ है ताकि ट्रैफिक और इसका एक तो यह मैंने आपको फाइनेंशियल वो बताया दूसरा लाजमी तौर पे जब ट्रैफिक बाहर से आती है तो वो आपके एक गेटवे से आ रही होती है जैसे बाहर से लोग अगर आते हैं तो एक एयरपोर्ट के जरिए आते हैं तो जब एक एयरपोर्ट के जरिए आते हैं तो वहां पे आप उनको चेक कर सकते हैं आप उनको जो चाहे उनके साथ कर सकते हैं लेकिन अगर वो आईपी तो आईपी है हर तरफ से आए तो फिर आपका उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस खत्म हो जाएगा तो सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से भी मुल्क के लिए कि आप किस कौन सी उनको ऊपर नजर रखना चाहते हैं कि कॉल कहां से आ रही है कौन कर रहा है सारी चीजें आपके कंट्रोल में है अदरवाइज अगर ये आप अलाउ कर दें तो एवरीथिंग विल बी ओपन बात समझ आ गई जी सर सही है लेकिन सर जिस तरह आपने बात की कि हमारा जो नेशनल गेटवे है तो वो तो बाहर ट्रैफिक जाएगी या बाहर से आएगी लेकिन अगर विद इन कंट्री हम इसको अगर यूज कर रहे हैं तो वो भी इलीगल के जुमरे में आएगा आपकी पहली बात कट गई थी इसलिए दोबारा बोलें सर मैं कह रहा हूँ जिस तरह हमारे आ, नेशनल गेटवे है आ, जो बाहर ट्रैफिक जाती है और बाहर से आती है वो तो ठीक है आ, इनको इनके इश्यूज जो हैं जिस वजह से उन्होंने इल्लीगल किया लेकिन विद इन द कंट्री जो है अगर ये यूज किया जाए तो फिर तो ऐसा कोई वो नहीं है तो वो भी लीगल हो जाता है क्या वो, वो भी वो भी इलीगल वो या तो उसने पीटीए से इजाजत ली हुई हो तो फिर तो ठीक है और अगर नहीं है तो अगेन आप आप समझ रहे हैं कि से कोई बंदा कराची फ्री कॉल करेगा क्योंकि इसके तो कोई चार्जेस नहीं है जैसे भी आप मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसके तो कोई चार्जेस नहीं है बस आई the... है तो जो पीटीसीएल का रेवेन्यू है या कंपनीज का वो है वो तो इवन ये जो जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं इनका इनके भी खत्म हो जाएगा रेवेन्यू इसलिए ये भी अलाउड नहीं है जी एनी अदर क्वेश्चन तो इफ देर नो क्वेश्चन आई स्टॉप हेयर विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी वीकेंड लेकिन वीकेंड का मतलब यह है कि अपने काम को फिर भी मैंने आपको वीकेंड के लिए टास्क दे दिया है इस टास्क को जरूर करके कमिंग मैनेसडे तक लाएं ताकि मुझे कंफर्म हो कि आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ आ गई है क्लियर ओके ओके यस अल्लाह